नमस्कार। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए और दुनिया को दिखाया मोदी ने कि भारत की क्या ताकत है, आज भारत की ताकत के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। और अफगानिस्तान में जो परिवर्तन हुआ है, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन तो अमेरिका को गर्त में ले गई, लेकिन भारत के पास बहुत बड़ा मौका है। और आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है कि कल CIA के प्रमुख और वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर अमेरिका के भारत आए और NSA अजीत डोभाल से मिले। और आज दूसरी महाशक्ति दुनिया की, जब दो विश्व युद्ध हुए थे उस समय रसिया के NSA यहाँ पर आए और वो आज मुलाकात कर रहे हैं NSA अजीत डोभाल से। ये बहुत बड़ी मीटिंग है और बहुत बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि कल ही तालिबान ने अपनी सरकार की घोषणा की, जिसमें सारे आतंकी, बड़े बड़े आतंकी सरकार में हैं। और वैसे पहले तो रसिया ने तालिबान का समर्थन किया। तालिबान की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने कहा तालिबान की सरकार अच्छी होगी और उससे बढ़िया होगी जो पहले सरकार थी, लेकिन तालिबान वहां से दोबारा आया अफगानिस्तान में, उससे भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत के लिए आर्थिक तौर पे और अन्य सुरक्षा की दृष्टि से अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान के ISI जिस तरीके से वहां पर कश्मीर में उनको भेजने की बात कर रही है, आप देखते हैं कि किस तरीके से तालिबान ने अपने स्टेटमेंट बदले। पहले कहा कि हम कश्मीर पर नहीं बोलेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हमारे को आज़ादी है पूरे विश्व के मुसलमानों के हक में बोलने की और कश्मीर की बात भी कहेंगे। फिर उसके बाद तालिबान पलटा और तालिबान ने कहा कि हम ये दो देशों के मसले पर हम बीच में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब चाइना और पाकिस्तान चाहते हैं कि तालिबान को कश्मीर में उलझाया जाए और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें और अपने को भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करें। लेकिन तालिबान और रसिया का जो कनेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तालिबान के आने के बाद अमेरिका तो चला गया, लेकिन अब रशिया की स्थिति अफगानिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले उन्होंने निवेदन सरकार बनाने के बाद, सबसे सरकार की जब घोषणा होगी, जब उस सरकार बनेगी यहाँ पर तालिबान की, उसके लिए न्योता उन्होंने ईरान को दिया और यहाँ तक कि चाइना को दिया, पाकिस्तान को दिया, टर्की, रूस और अन्य देशों को दिया, लेकिन अभी भी रूस ने मान्यता नहीं दी है। और इसी मुद्दे पर रूस का बहुत महत्वपूर्ण बयान है। रूस ने कहा है कि जिस तरीके की समस्या भारत के लिए है, वही सवाल हमारे लिए भी अफगानिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अच्छा बने, डेवलप बने। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि वो आतंक, भारत के खिलाफ आतंक का एक अड्डा बने, और चाइना भी यही चाहता है। लेकिन रसिया की स्थिति वहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस जब तालिबान को अमेरिका ने सपोर्ट किया था, उससे पहले रसिया ही अफगानिस्तान में था, और रसिया बहुत मजबूत स्थिति में अफगानिस्तान में अब भी है। और इस वजह से भारत और अफगानिस्तान और रसिया की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कल मीटिंग हुई है अमेरिका के जो CIA के प्रमुख हैं उनके साथ और अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों के बीच, उनका महत्वपूर्ण मुद्दा अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी हैं, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, तमाम जो आतंकी हैं उन पर है, उन पर बातचीत हुई। भले ही जो बाइडेन की जो सरकार है वो चीन परस्त हो चुकी है, क्योंकि जो बाइडेन तो सोते रहते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो अफगानिस्तान से ऐसे भागे,
जो अमेरिका का वर्चस्व पूरे देश में माना जाता था, अब वो पूरी तरह से अमेरिका की जो इज्जत थी वो पूरी मिट्टी में मिला दिया जो बाइडेन ने। और चाइना अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को सामने ला रहा है, लेकिन यहाँ पे रसिया आ गया है। और रसिया और भारत, भारत की दोस्ती और रसिया की दोस्ती बहुत पहले से स्ट्रॉन्ग रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन ने कुछ दिन पहले 40 मिनट से ज़्यादा बातचीत की अफगानिस्तान के मुद्दे पर। और अफगानिस्तान की धरती पर जो ये तालिबान आया है वो आईएसआई की कठपुतली ना बने, क्योंकि आईएसआई के चीफ काफ़ी दिन से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हैं और वो चाहते हैं कि किस तरीके से इनको यहाँ से डाइवर्ट करके कश्मीर में ले जाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी डिबेट में, पीटीआई यानी पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी जो है उसके प्रवक्ता खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमने तालिबान को साथ दिया था, तालिबान को ट्रेनिंग दी थी, तालिबान को फंडिंग की थी, अब तालिबान से हमने डील कर दी है कि वो कश्मीर जीतकर हमें पाकिस्तान को देगा। लेकिन तालिबान भी बहुत सही तरीके से जानता है कि भारत अब वो भारत नहीं है कि जो आंखें मूंदे बैठा रहेगा, कुछ नहीं देखेगा। लेकिन अब भारत घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है, और अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती से कश्मीर को आसान करने की कोशिश करेगा तो उनको वहीं पर जमींदोज किया जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान किया कि हम दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे, और इस साफ सा संदेश था। अभी चाइना जो लद्दाख गलवान घाटी में उसने कुकृत्य किया था, भारत ने किस तरीके से उसको बड़ा झटका दिया, उसके बाद चीन भी परेशान है, चीन मौका की तलाश में है किस तरीके से भारत से बदला ले। लेकिन भारत ने साफ सा इशारा कर दिया है चीनी कंपनियों को बैन करके, चीन के जो सीपैक है वो जो पाकिस्तान का कॉरिडोर आ रहा है वो अफगानिस्तान में भी चीन अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। तो भारत क्या कैसे आगे रिएक्ट करेगा, क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा या तालिबान चीन और पाकिस्तान की कठपुतली बना रहेगा, ये तो तालिबान को देखना पड़ेगा। अगर तालिबान, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको बता दें कि जो पंजशीर में है रात में वहाँ पर उन पर बमबारी हुई, वहाँ पर जो फाइटर जेट थे उन पर तालिबान के लड़ाकों पर उनके ठिकानों पर बमबारी की। अभी भी तालिबान का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया कब क्या एक्शन ले ले, क्योंकि आतंकवादी हैं, आतंकवादियों से कैसे रिएक्ट किया जाएगा ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि रूस भी चाहता है कि जो आतंकवाद जो पनप रहा है अफगानिस्तान में तेज़ी से, और ये आतंकवादियों के लिए हौसला अफजाई करेगा ये इस तरीके की घटनाएं अगर किसी एरिया में इस दुनिया में होती है। तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के रक्षा मंत्री हो या गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या हमारे तीनों सेना के प्रमुख हो, या बिपिन रावत जी हो, अजीत डोभाल हो, सभी अभी लगातार बैठकें कर रहे हैं, और भारत के हित में जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। भारत को अपना हित देखना है, उसमें अमेरिका का हित क्या होता है, उसमें चाइना का हित, पाकिस्तान का हित नहीं, इसमें देश सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा और देश के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसी वजह से अब भारत की बातों को लेकर अमेरिका भी भारत आया, रूस भी भारत आया, और अफगानिस्तान पर चर्चा हो रही है, पाकिस्तान के इरादों पर चर्चा हो रही है, चीन के नापाक मंसूबों पर चर्चा हो रही है, आईएसआई किस तरीके से उनको फंडिंग कर रही है, अमेरिका से फंड लेती है, विदेशों से भीख मांगती है और उसका यूज़ आतंकवादी बनाने में के लिए करती है। तो अब दुनिया आगे क्या करती है ये बहुत बड़ा देखने का कदम होगा, क्योंकि भारत किसी भी तरीके से इन आतंकवादियों को आगे नहीं पनपने देगा।
पाकिस्तान और चीन के मंसूबों को आगे नहीं बढ़ने देगा। भारत की इतनी ताकत है कि अफगानिस्तान में जहां भी ये पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हैं उनको जमीजोज कर सकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे तालिबानी जो आतंकवादी सरकार में आए वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोलीबारी चला रहे हैं, महिलाओं पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर ये प्रदर्शन हो रहा है तो तालिबान को मिर्ची क्यों लग रही है। ये साफ सा संदेश है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है और अपने गुर्गों को बैठा रहा है। तालिबान पाकिस्तान की एक शाखा बन के रह गई है, और तालिबान कैसे चेंज होता है नहीं होता है ये तो कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक आतंकवादी है वो हमेशा आतंकवादी रहेगा, और इसका जहर कैसे निकाला जाएगा ये भारत अच्छी तरह से जानते हैं। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पाकिस्तान अफगानिस्तान या पूरी दुनिया के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान की समस्या को निपटाया जाएगा, चाहे कश्मीर से अलगाववादियों आतंकियों और पाकिस्तान के ISI को और पाकिस्तान की सेना को पूरी धूल चटा दी, चाइना को धूल चटा दी, तो ये तालिबान तो कुछ नहीं है। तालिबान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का एक बनाया हुआ खुद आतंकवादी संगठन था, आज वो अमेरिका भाग गया है तो वो फिर दोबारा आ गया है, लेकिन इन संगठनों को कैसे काबू करना अब भारत की रणनीति पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और पूरी दुनिया की नज़र आज भारत पर है, और भारत मोदी सरकार अपना आगे का स्टेप क्या लेती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस और अमेरिका के दोनों के बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर इंडिया में हैं और उन्होंने मीटिंग की, और अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भारत अपनी नीति अफगानिस्तान पर क्या आगे रखता है। पाकिस्तान को भी और चीन को भी एक साथ बड़ा झटका दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।